आगे रिवीजन में देखते हैं चैप्टर 5 चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर यानी कि मुलाकात, सैर यानी मुलाकात। गीता और दादाजी चिड़ियाघर में गए थे। उसने वहाँ शेर, बंदर, लंगूर, गेंडा, जिराफ, रीछ, मछली, बतख, कछुआ, मगर, चिड़िया, तोता, विदेशी पक्षी जैसे कि कातुआ, शुतुरमुर्ग यानी कि शाहरुख सबसे बड़ा पक्षी है, मोर, हाथी, ऊँट एक जैसे अनेक जानवर को देखा। और गीता कछुए को पत्थर चल रहा ऐसा बोलती है, तो दादाजी ने कहा कि वो पत्थर नहीं है, वो तो कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वो अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में यानी कि कवच, इसके ऊपर आवरण होता है, इसमें छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। और विदेशी पक्षी को भी देखा, इसका नाम क्या था? कातुआ, यहाँ पे दिखाई देता है आपको कातुआ। उसका नाम क्या था? सभी को पता है कि उसका नाम था कातुआ। आगे और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, गुजराती में उसको कहते हैं शाहरुख, को देखा, वो पेड़ की छाया में खड़े थे। और आगे चिड़ियाघर में उसको हाथी, ऊँट की सवारी भी देखी। तो गीता और इसने दादाजी ने किसकी मुलाकात की थी? तो चिड़ियाघर की। कि वो अभ्यास में ऊंची आवाज़ में पढ़िए, वो है आगे अपने देखते हैं अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो यहाँ, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? यहाँ पे देखो, छोटे बच्चे हैं वो अपनी पलकों को एक मिनट में औसतन यानी कि लगभग शायद 1 से 2 बार झपकाते हैं छोटे बच्चे, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। जो वयस्क होते हैं उसको 10 बार झपकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो 1 से 2 बार एक मिनट में झपकाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगता है? हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। कौन सा कार्य है ऐसा? तो एक वक्त का, एक समय नु खावानु पचावानु समय कितलो थाई छे? 12 कलाक। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो शरीर का ऐसा 2 अंग है, देखो, नाक व कान, 2 ऐसे अंग है जिसका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। आगे देखते हैं 4 नंबर में, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चल चलने वाले को हम क्या कहेंगे? तो तेज चल चलने वालों को हवा की चाल कहेंगे, बराबर। कोई बहुत धीरे चलता है तो आप कहते हैं कि कछुए की चाल, क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब तुम ही बताओ कि जो तेज चलने वाले को हम क्या कहेंगे? तो हवा की चाल कहेंगे। चिड़िया घर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? अभ्यास में क्वेश्चन 5 है कि चिड़ियाघर में जाकर पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, जो पिंजरा होता है इसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, शोरगुल नहीं करना चाहिए, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, और जानवरों की तरह कक्कड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। आगे देखते हैं स्वाध्याय में कि चिड़ियाघर के सैर के लिए कौन कौन आए थे। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन कौन आए थे बच्चों बताओ? यस, गीता और उसका दादाजी। दूसरा क्वेश्चन है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? यहाँ पे देखो, चिड़ियाघर के सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। गीता ने किसे पत्थर बताया? मैंने आपको बताया कि किसे वो पत्थर जग रहा है ऐसा बोलती थी, तो दादाजी ने उसको समझाया था ना कि गीता वो पत्थर नहीं है लेकिन क्या है? कछुए है।
तो कछुए को पत्थर बताया। आगे कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका आवरण है, खोल। विदेशी पक्षी आपने दिखा था, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो काकातुआ। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखे, तो आपने देखा था शुतुरमुर्ग यानी शाहमृग। आगे देखते हैं क्वेश्चन टू। स्वाध्याय में के उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण है कि पेड़ पर बंदर लटक रहा है। देखो यहाँ बंदर, पेड़ पर बंदरिया लटक रहे हैं, तो बंदर का क्या होगा है यहाँ पे? बंदरिया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। जो रेखांकित शब्द यानी कि जो अंडरलाइन की है उसको आपको बदलना है, उसका परिवर्तन करना है। देखते हैं कि तालाब में हाथी नहा रहा है, तो क्या आएगा? हाथी की जगह उसका लिंग परिवर्तन कर सू तो हाथीनी को याद रखना है। वो तालाब में हाथीनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है, ऊँट है बराबर यहाँ पे, तो ऊँट की जगह क्या आएगा? ऊँटनी। रेगिस्तान में ऊँट की जगह यहाँ आएगा ऊँटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है, यहाँ पे देखो वो दोनों सेंटेंस में देखा तो वो पुल्लिंग था है ना, हाथी और ऊँट वो है पुल्लिंग है मेल, और मोरनी वो है स्त्रीलिंग है, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा? पुल्लिंग। तो मोरनी की जगह यहाँ आएगा मोर, मोर तो मोरनी, ऊँट ऊँटनी है ना। जंगल में मोरनी नाच रही है, तो उसका होगा जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, शेर की जगह क्या आएगा? शेरनी। के वहाँ पे पुल्लिंग है तो हो जाएगा उसका स्त्रीलिंग। हाथी हाथनी, ऊँट ऊँटनी, मोरनी मोर, शेर शेरनी। के आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं, उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। यहाँ बहता हुआ झरना दिखाई देता है, उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ दिखाई देता है, और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है, यहाँ पे देखो शेर है वो पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है, और हिरन पानी पी रही है, बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास दिखाई देती है, और खरगोश बैठा हुआ है घास में, खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये जंगल का बड़ा मनभावन दृश्य है। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ प्लैंक्स जोर से गरजा, तो क्या आएगा? शेर जोर से गरजा। चिड़ियाघर में एक सिंह वाला क्या था? गैंडा। लेसन में देखा था ना। तालाब में खलजी क्या तैर रही है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है बतख। और हरियल तोता टें टें करता था यहाँ पे है ना, हरियल यानी कि हरे रंग वाला, उसका शब्दार्थ है क्या? समानार्थी शब्द में भी हरल लिख सकते हो, और हरियल यानी कि हरे रंग वाला। ओके okay?